ये बात तो हम सब मानते हैं कि हमारे लुक्स अगर अच्छे होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाता है, और हमारे लुक्स को बेहतर बनाने में हमारी स्किन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, अपनी स्किन को बेदाग बनाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत सारे प्रयास नाकाफी साबित होते हैं। और उसका कारण यह है क्योंकि कहीं ना कहीं हम साइंस को पीछे छोड़ करके बहुत बार ऐसा कुछ अपनी स्किन पर अप्लाई करने लगते हैं जिसका हमारे चेहरे पर हमें रिजल्ट ही नहीं मिलता। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक टू स्टेप ऐसे वीकली प्रोसेस के बारे में जिसे आपको हफ्ते में एक बार ही करना है। और हफ्ते में एक बार इसलिए करना है क्योंकि ये आपकी स्किन के पोर्स को गहराई तक जाकर के साफ करता है। तो जो हफ्ते के 6 दिनों में आप अपने चेहरे पर पॉल्यूशन की वजह से, धूल की वजह से, मिट्टी की वजह से अपने पोर्स को ब्लॉक कर देते हो, उन सबको साफ करना जरूरी है। तो इस टू स्टेप प्रोसेस को जरूर अपनाएं, 6 हफ्तों तक करें, मतलब 1.5 महीने तक करें, एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन एक सिर्फ मुझे आपसे प्रॉमिस ये चाहिए कि मैं जैसा बताता हूं प्लीज आप वैसा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे कमेंट्स नीचे करते हैं, सर इसकी जगह पर ये यूज कर लें तो ठीक होगा क्या, ये मुझे सूट नहीं करता। जो चीज सूट नहीं करती है उसे छोड़ दो, लेकिन बाकी जो रेमेडी है उसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि वही उस रेमेडी की जान है। और क्योंकि ये रेमेडी जांची हुई है, इन रेमेडीज को हम अपने बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई कर चुके होते हैं, इसीलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि अगर इसके साथ आप कोई काट छाट करते हो तो डेफिनेटली उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप भी इस वीकली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके अपनी किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, स्किन केयर एक ऐसा रूटीन है जो कि हमें रोज करना चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा जो चेहरा है उसके अंदर जो पोर्स हैं उसमें जमा गंदगी को हम बहुत अच्छे से निकाल सकें। अगर ये गंदगी अच्छे से निकलेगी तभी जाकर के हमारी स्किन रिवाइटलाइज एंड रिजुविनेटेड नजर आएगी, और हमारे चेहरे पर होने वाले दाग धब्बे, झुर्रियों से, पिगमेंटेशन से, डार्क सर्कल से हमें छुटकारा मिल पाएगा। तो इस वीकली स्किन केयर रूटीन को किसी भी स्किन टाइप का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति कर सकता है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके घर में अवेलेबल हैं, इन्हें आपको बाहर से लेने के लिए कहीं जाना नहीं है। और एक और बात, इन्हें आप स्टोर करके नहीं रख सकते। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखते हैं, सर हम बहुत रेगुलर कर सकते हैं क्या, डेली कर सकते हैं कि नहीं। ये स्किन केयर रूटीन आप हफ्ते में एक ही बार करोगे, एंड प्लीज स्टोर करके मत रखिएगा। अब करना क्या है, तो स्टेप नंबर 1 आता है ऑयल वाटर क्लेंजिंग। ऑयल वाटर क्लेंजिंग क्या होती है, देखो हमारी जो स्किन है उसके अंदर 2 लिक्विड्स होते हैं, पहला लिक्विड है पानी, दूसरा लिक्विड है ऑयल। पानी जो है वो हमें हमारे पसीने के फॉर्म में दिखाई देता है, ऑयल जो है वो हमें हमारी नोज पर, हमारे चीक्स पर, जब हम थोड़ा सा फिंगर चलाते हैं तो हमें चिपचिपे पदार्थ के रूप में नजर आता है। इसका मतलब कि हमारे चेहरे में दोनों तरह की गंदगियां होती हैं, वो गंदगी जो वाटर सोल्यूबल भी है और वो गंदगी जो ऑयल सोल्यूबल भी है। अब अगर मुझे इन दोनों तरह की गंदगी को निकालना है तो मुझे 2 तरह की चीजों को मिलाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ऑयल से गंदगी एक मटीरियल निकाल ले और वाटर से गंदगी एक मटीरियल निकाल ले। क्या करना है, हमें यहां पर लेना है 1 टेबल स्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन इन दोनों ऑयल्स के अलावा आप कोई भी तीसरा तेल यहां पर इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके अंदर आपको मिलाना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर प्लांट बेस्ड है तो भी चलेगा, और अगर एलोवेरा जेल मार्केट का है तो भी चलेगा। इन दोनों चीजों को जैसे ही आप अच्छे से मिलाते हो तो आपके जेल की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो खत्म हो जाती है, और आपका जेल जो है वो व्हाइट, क्रीमी, हेजी जैसा दिखना शुरू हो जाता है। ये आपका ऑयल एंड वाटर क्लेंजर बनके तैयार हो गया है। इस क्लेंजर को अपने चेहरे पर लगा करके 5 मिनट के लिए छोड़िए, और 5 मिनट के बाद अच्छे से मसाज करके अपने चेहरे को हल्के से ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश कर लीजिए। गुनगुना पानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी स्किन के पोर्स को गहराई से साफ करने के लिए थोड़ी सी हीट भी लगेगी, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करके देगा। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे फ्लश्ड
गुनगुना पानी नहीं है तो आप टॉवल लीजिए, उस टॉवल को गर्म पानी में डालिए, स्क्वीज कीजिए और उससे अपने पूरे चेहरे पर जो जेल लगाया है आपने, जिसके अंदर आपने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल डाला था, उसको वॉश कर दीजिए या वाइप ऑफ कर दीजिए। अब जो दूसरा स्टेप आता है, ये आपका स्क्रब, मसाज एंड मास्क तीनों एक साथ में होने वाला है। क्या करना है हमें, लेना है यहाँ पर 1 चम्मच चावल का आटा और साथ में हमें मिलाना है आधा चम्मच चोकर। अगर आपके पास चोकर नहीं है तो आप उसकी जगह पर बेसन का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों पाउडर्स को अच्छे से मिला लीजिए और इसके अंदर अब आपको 3 चीजें ऐड करनी है। पहली जो चीज होगी वो होगी दही। 1 चम्मच दही मिलाएंगे क्योंकि जो दही है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है और जो चावल का आटा है उसके अंदर क्योंकि व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग, स्किन लाइटनिंग एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करके देगा आपकी स्किन में जमे डेड सेल्स को निकालने के लिए, आपकी स्किन को पॉलिश करने के लिए और आपकी स्किन को व्हाइटन, ब्राइटन एंड टाइटन करने के लिए। जो चोकर होता है उसके अंदर डेड सेल्स को रिमूव करने की प्रॉपर्टीज होती हैं और बेसन में भी सेम होता है। तो अभी तक हमने यहाँ है 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच या तो चोकर या फिर हमने बेसन डाला है। इसके अंदर तीसरी चीज हमने ऐड की है 1 चम्मच दही। दही जो है वो फ्रेश होना चाहिए क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड अच्छा होगा। नंबर 4 जो चीज हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो करना है शहद। शहद जो है इसके अंदर हमारी स्किन को ह्यूमक्टेंट प्रॉपर्टीज देने के गुण होते हैं, मतलब कि ये हमारी स्किन को नमी देता है और शहद जो है वो हर एक स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे लिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज का भी बहुत अच्छा फायदेमंद प्रोडक्ट है। नंबर 5 जो चीज हम यहाँ पर डालेंगे वो डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आपकी स्किन ऑयली है आप विटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं डालोगे, आप उसकी जगह पर 1 से 2 चम्मच यहाँ पे ऑरेंज जूस के डाल सकते हो। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है और अगर आप ड्राई स्किन में भी अगर ऑरेंज जूस डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं। इस पेस्ट को अच्छे से तैयार कीजिए, अपने चेहरे पर लगाइए और चेहरे पर लगा करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट जब ये आपके चेहरे पर लगा रहेगा तो ये आपके स्किन में जमे सॉफ्ट डेड सेल्स को सॉफ्टन अप कर देगा एंड जैसे ही आपके डेड सेल्स सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपकी स्किन से ये डेड सेल्स निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब आप इन्हें निकाल करके अच्छे से मसाज कीजिए और मसाज करने के लिए अपने हाथों को हल्के से गुनगुने पानी से डिप कर लीजिए और फिर पूरे सर्कुलर मूवमेंट्स में इसी मास्क के ऊपर जिसको आपने बना करके लगाया था, जिसको 15 मिनट छोड़ा था, इसी के ऊपर आप मसाज दीजिए। मसाज देकर के फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। लीजिए आपका वीकली स्किन केयर होकर के तैयार हो गया है और ये एकदम आपकी स्किन को ग्लोइंग, व्हाइट, ब्राइट एंड टाइट बना देगा। तो इसे जरूर अपनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि 6 हफ्तों के बाद आपको इससे कैसा रिजल्ट मिला। हालांकि रिजल्ट तो आपको पहली सिटिंग से ही मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए 6 हफ्ते बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन रिजिड होती है जिसको रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमने किया हमें फायदा नहीं हुआ। 6 हफ्तों का प्रॉपर टाइम दीजिए, हफ्ते में एक बार कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप हमें लाइक का बटन दबा करके जरूर मोटिवेट करें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने टेलीग्राम पर अपना एक चैनल बना लिया है जिसका नाम है डॉक्टर मनोज दास, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि उसका लिंक अवेलेबल है। आप टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो वहां जाके हमें जरूर फॉलो करें क्योंकि वहां पर आने वाले बहुत सारी स्कीम्स के, बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स मिलते हैं और रोज सुबह आपकी शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल मैसेज के साथ में। आपका प्यार आप हमें इसी तरह से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।